तो गाइस हम लोग आए हैं डग डग गूज और अचानक से प्लान बना लिया है इसके पापा और अनवी ने। ये बेसमेंट में बना हुआ है और ये आपको आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि ये देखो सामने रोड है और ये रोड पे ही है, तो कोई इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है पहुंचना यहाँ पे। इसके साथ में गुरुद्वारा है मेन रोड का जो है, ये आप देख रहे हैं मेन रोड का रजौरी का गुरुद्वारा है, तो आप इजीली जो है यहाँ आ सकते हो। तो ये जो है रोड पे ही यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा अगर आप नाइट में आ रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है डग डग गूज, इसमें ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो नंबर मेंशन किया हुआ है, आप कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हो टाइमिंग वगैरह जो भी आपको पूछना है, चार्जेस क्या है सब कुछ। तो चार्जेस वैसे मैं ही बता देती हूँ आपको, जो चार्जेस हैं यहाँ के वो है बच्चे के साथ जो है मम्मी जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो 800 रुपीज़ फीस होती है, और अगर आप किसी और को लाना चाहते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो 500 होते हैं। तो मैं अंदर जाऊंगी और आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी कैसे क्या होता है, और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ पे। कैश दूँ? कैश दूँ? ये शूज़ वगैरह उतार के ये रैक बनाया हुआ, इन रैक में अपने शूज़ वगैरह डाल लो। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है बताने के लिए कि जैसे कि यहाँ पे है ना सॉक्स आपको वेयर करनी है तो घर से ले, हाँ वरना परचेज करनी पड़ेगी, 200 रुपये की होगी वन पेयर। अब जितने भी आएंगे, अब ये क्या 800 रुपये है, 800 रुपीज़ है इसके चार्जेस बच्चे के, उसके साथ एक तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, बट जिसने एक्स्ट्रा जाना है उसके लिए 500 रुपये करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है।
मम्मी कह रही है इसका तो स्टेयरिंग ही नहीं है, पर्स छोड़ दो ना, ये लेके जाएगी इसको, लेके यहाँ से यहाँ छोटी है गेम्स के लिए यार। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनवी ने क्या क्या करा दिया, आ जाओ छोड़ रही हूँ। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी हम कौन सी करते हैं। मम्मा यहाँ से आ रही है, अनवी फाइनली वी मीट, अनवी मुझे मिल गई, पापा भी स्लाइड करके आ रहे हैं यहाँ से। चलो वो देखो बॉल्स डालेंगे इसके अंदर, अनवी के लिए आए का टाइम है हमारे पास, अब मेरे को लग रहा है हाफ एन आवर रह गए। ओ बॉल सारी ऊपर से, अनवी यहाँ से गई, ओहो अब क्या जा रही है, ब्रेव गर्ल। सबसे छोटी मुझे लग रही यही है ना यहाँ। और नहीं
Yes, well done. Papa gir gaye. हनवी ने तो आज हमारी पूरी जिम करा दी। अपनी रोना आया तेरे को, अपनी आया रोना, चलना है। चलो हाँ दीदी, चलो हाँ हाँ ऊपर ऊपर, वेरी गुड। ओ दीदी फर्स्ट आ गई, दीदी फर्स्ट आ गई। अबे इधर, अबे हम 7:30 आए थे, अब 11:30 8:30 हो गए, हमारा टाइम ओवर हो गया, 1 आवर का ही टाइम होता है। तो वाइट स्लीपर, अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते ना तो ये वेटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। और ये कैफेटेरिया है जहाँ पे खाने पीने का है, जितना टाइम आपका बच्चा गया हुआ है आप लोग यहाँ पे वेट करके। अच्छा बनाया हुआ है यार वैसे तो। मतलब पार्टी का भी अरेंजमेंट होता है यहाँ पे ना, पार्टी अगर आपने बर्थडे पार्टी करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, वाह। हमारी बेबी तो छोटी है ना, तो हम लोग तो अंदर चले गए, और हमारा फर्स्ट टाइम था तो हमने इन्जॉय किया। जैसे जो लोग बार बार आते हैं तो उनके लिए ठीक है कि भाई बच्चे इन्जॉय करें, और हम लोग वेटिंग एरिया में जो है वेट कर सकते हैं। कैसा रहा फिर? है बहुत मजा आया तुमने तो पूरा एंजॉय किया मुझे लगा, बट मैं थक गया यार। तो थकावट तो यही, हमारी जिम समझ लो यही हो गई सच में, सीरियसली।